पता 24 करोल बाग आ जाइयो। जय माता दी आंटी जी, जय माता दी। माता की जय जयकार तो कर रही हैं, लेकिन किस लिए? इसलिए कि आपका घर वापस मिल गया, या इसलिए कि अभी की नौकरी लग गई, या शायद इसलिए कि आपकी तीनों बेटियों का जीवन खुशहाल हो, या इसलिए कि आपका ये महान सपूत सुधरने लगा है, या फिर इसलिए कि आप अपने खानदान का सबसे बड़ा झूठ इस संसार से बखूबी छुपा पाई। बेटा, घर की बात हम अगर घर में करें। घर की बात नहीं है आंटी जी, ये पूरे बिरादरी के जानने वाली बात है। तो ये लोग भी जाने कि आप कैसे अपनी बेटियों का पाप दूसरों के सर मरते हैं। ये जानते हुए कि ये लड़की शादी के पहले प्रेग्नेंट थी, आपने इसकी शादी हमारे भोले भाई से करवा दी। हमारे पास सबूत है, हम जो कह रहे हैं उसका एक शब्द भी झूठ नहीं। माता रानी के दरबार में नकुल सिंह डागर झूठ नहीं कहता, ये तो सेठी खानदान की आदत है। सिमरन सेठी हमसे रिश्ते की बात चलाकर अपने से छोटी उम्र के लौंडे के साथ इश्क लड़ा रही है। नीतू जी, किसी और का पाप अपने पेट में लिए हमारे घर में डेरा डाल के बैठी हैं। इनके महान सपूत अनुज सेठी अपने बाप को मार देने की कोशिश की। मिली जी, मिली सेठी ये न जाने बाहर जाके क्या गुल खिलाती होगी। मानना पड़ेगा आंटी जी आपको। नकुल सिंह डागर, आप अपनी हद पार कर रहे हैं। अगर हम अपनी हद पार करते ना, तो तुम्हारे खानदान में कोई भी आज यहाँ खड़ा नहीं होता। और तुम्हें हमारी बात इतनी क्यों चुभ रही है? क्यों तुम्हारे पेट में भी कोई बच्चा पल रहा है? अपनी बहन की तरह अपनी मनहूस शक्ल लेकर हमारे घर में घुसने की कोशिश मत करना। आए हाय, बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। कभी हम खुद को, कभी अपने हाल को देखते हैं। भला ये मजाक का वक्त नहीं है? सिर मजाक तो हो चुका, ये तो हंसने का टाइम है। नकुल सिंह डागर को एक 2% की 4 फुटी बच्ची ने मुंह पे थप्पड़ मार दिया। एक जमाने में बड़ा रुआब हुआ करता था आपका। क्या हो गया अब? हैं, हवा हो गई? कोई बात नहीं, हो जाता है। चलिए चलता हूं। उस 2% की लड़की ने हमारी बेइज्जती करी, नकुल सिंह डागर की। अब हम उसकी इज्जत का ऐसा हश्र करेंगे, पूरा खानदान देखेगा। जो हुआ उससे, उससे हम सब बहुत परेशान हैं, दुखी हैं। लेकिन आंटी जी, आप ही ने कहा था कि चौकी के बाद हम गुरुद्वारे जाएंगे माथा टेकने के लिए। तुम ही सही कह रहा है परजाई जी, जो कुछ कहा है उसे पूरा करना हमारा फर्ज है। लेकिन बाहर जाने की हिम्मत नहीं हो रही, कैसे सामना करेंगे हम लोगों का? कोई नहीं होगा इस समय परजाई जी। मैं तो कहता हूं चाचा जी, कोई हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम सामना करेंगे और मिलकर करेंगे। क्या बताऊं बहन जी, जब मुझे रात को गोलू ने बताया, by God, तब से मेरी नींद ही गायब हो गई है। वही हाल हमारा है, माता की चौकी पे गए थे, सोचा था थोड़ा मन को शांति मिलेगी, लेकिन जी ऐसा कहा। by God, बदतमीजी की भी हद होती है, घर की बेटी वो भी एक ड्राइवर के साथ। अब देखो कैसे नजरें झुका के खड़ी है, तब शर्म नहीं आई इसको। पाना पता 24 करोल बाग आज।